संख्या में, खास करके जो बंगाली समुदाय के लोग होते हैं वो अपने पास के ही तालाब में जाते हैं और वहाँ से बेल भरनी की जो पूजा है वो करते हैं। बेल भरनी के बारे में बताया जाता है कि माँ को आवाहन किया जाता है और आज ही के दिन माँ के पट खुलते हैं। इसी को लेकर आज यहाँ पर तमाम जो है वो सभी जितने भी लोग हैं जो आसपास के पंडाल के हैं, जो मंदिर के हैं, वो तमाम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से कि आप देखिए कितनी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और पूरे विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। माँ का आवाहन किया जा रहा है, सभी अपने अपने जो कुछ पंडाल के लोग हैं वो पहुँचे हुए, जो मंदिर और आसपास के क्षेत्र के लोग वो तमाम लोग आज सुबह से ही अपने सबसे निकटतम जो तालाब है वहाँ पहुँचते हैं और बेल भरने की रस्म को करते हैं। आइए हम इन लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या महत्व है और साथ ही साथ आज आपको बता दूं कि आज माँ के पट खुल जाते हैं और तमाम श्रद्धालु जो है वो माँ के दर्शन कर पाते हैं। जो यहाँ पर बेल भरनी रस्म की जा रही है उसको देखिए, दुर्गा पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा अपने मायके आ रही है, चार दिन खूब उत्साह रहता है, खूब खुशी का माहौल रहता है, साल भर लोग इंतज़ार करते हैं। अभी कलश पूजा हो रही है, ये सारी कलश जाके मंदिर में स्थापित हो जाएंगी और आज से दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगा। बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कि माँ का जो हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा का शुरुआत बेल भरनी से ही होता है। पहले ये क्या है, माँ को आमंत्रण करना है। पहले हम लोग हिंदू धर्म में पूजा, सबसे पहले पूजा गणपति का शुरू करते हैं। तो ये गणपति जो है, बेल भरनी जो है, कला बहु जिसको बोला जाता है, वो आपका गणेश भगवान का उनका अर्धांगिनी बोला जाता है, इसलिए उनका पूजा पहले होता है। उसके बाद माँ का, यहीं से माँ का आप भी किया जाता है, आह्वान किया जाता है यहाँ से कि माँ हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ विराज करे, हम लोग सब तो सुख शांति से रखे। यही माँ का बिल भरने का ये सबसे बड़ा कार्य। हमारे यहाँ ये 2010 से हमारे यहाँ 13 साल हमारे पास होने जा रहा है, 13वां साल है हमारा और हम लोग बड़ी ही धूमधाम से माँ दुर्गा का आराधना करते हैं और हमारा अपार्टमेंट सिर्फ सुमल अपार्टमेंट में हमारा पूजा होता है। वहाँ बहुत ही मिलजुल कर हम सारे परिवार लोग एक जैसे पूजा करते हैं, बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। यहाँ का वाचन वाट का ये माँ दुर्गा पूजा समिति का है। यहाँ जो घट नवपत्रिका ले जाने के लिए घट को भर के लिया जाता है, तो इसमें हम लोग बहुत मतलब बहुत अच्छे तरह से इसको ले जाते हैं और सब मिल के एकदम बहुत अच्छा से भक्ति भाव से इसको ले जाते हैं और इससे हम लोग को बहुत आनंद भी लगता है। सब लोग नाच डांस करके बहुत अच्छा से करके जाते हैं। ये पूजा का बहुत सा महत्व है। ये पूजा रेलवे कॉलोनी का सबसे सेकेंड पूजा, पुराना पूजा है, उसका अलग रूप है। महाअष्टमी का जो पूजा होता है, रात में खैन जो होता है, बहुत देखने लायक है। 3 दिन भोग, बहुत सा भोग आदमी प्रसाद ग्रहण करता है। बोलो बोलो दुर्गा माई की जय। और इसी उद्घोष के साथ आज पूरा कोयलांचल सुबह से ही गूंज रहा है। आपको बता दूं कि बेल भरनी, जिसे कोला भोग भी कहा जाता है, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जिन लोगों ने दुर्गा माँ की मूर्ति को स्थापित किया है, वो सभी अपने निकटतम तालाब जाते हैं और वहाँ से कलश में जो है जल भरते हैं और वहाँ मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस वक्त पंपू तालाब में आप देख सकते हैं कि बड़े ही उत्साह के साथ ढाक बजाते हुए और उलूल ध्वनि की यहाँ पर हम आवाज़ सुन सकते हैं। उलूल ध्वनि के साथ तमाम लोग जो है यहाँ पर कलश लेकर जा रहे हैं और माँ का आवाहन हो चुका है। अब आज क्योंकि सप्तमी है, अष्टमी नवमी दशमी को काफी धूम देखने को मिली, आज से माँ के पट खुल जाएंगे और तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं उनके अंदर एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर इन लोगों ने कहा कि आज से जो माँ का आवाहन किया गया है और पिछले कई वर्षों से ये लोग इस तरह से करते हुए आ रहे हैं, इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शाम्भवी सिंह, द न्यूज़ 4, धनबाद।